स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे पाकिस्तान के सरकारी संपत्ति की नीलामी को लेकर। पाकिस्तान सरकार की हालत इतनी खस्ता हो जाएगी ऐसा आज तक किसी ने सोचा नहीं था। पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्रालय ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें ये साफ लिखा गया है कि वर्तमान सरकार पाकिस्तान के कुछ संपत्तियों की नीलामी विदेशी सरकारों के साथ करने जा रही है। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। पाकिस्तान के कैबिनेट कमेटी के तहत जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसे पाकिस्तान का कोई भी कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता है। साथ ही किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि इसकी छानबीन कर सके। आपको बता दें वहाँ के फेडरल कैबिनेट ने ये ऑर्डिनेंस 21 जुलाई को पास कर दिया था ताकि पाकिस्तान के तेल और गैस कंपनी और सरकारी पावर प्लांट के स्टेक्स को यूएई के हाथों नीलाम कर दिया जाए ताकि $2 बिलियन से लेकर $2.5 बिलियन तक की धनराशि का उपार्जन हो सके। अभी हाल में ही एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को भी चीन के हाथों सौंपने जा रहा है जिसके तहत वो अपनी भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए चीन को इसे लीज पर देगा। आपको बता दें गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है और यदि पाकिस्तान इसे चीन के हवाले कर देता है तो इससे भारत के लिए खतरा और अधिक बढ़ जाएगा क्योंकि ये क्षेत्र चीन के लिए भारत पर आक्रमण करने के लिहाज से काफी मददगार साबित होने वाला है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया था और इस डील के संपन्न होने के साथ ही चीन को अपनी सीमा क्षेत्र के विस्तार करने में भी आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लोन लेने के लिए गुहार लगाई है। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने ये शर्त रखी है कि यदि पाकिस्तान $4 बिलियन अपने पड़ोसी देशों से जुटा लेता है तभी वो इसकी लोन की अर्जी को स्वीकार करेगा। हालांकि पाकिस्तान और चीन की ये डील भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं दिख रही है क्योंकि चीन और भारत पहले भी सीमा विवाद को लेकर उलझते आ रहे हैं। चूंकि गिलगित बाल्टिस्तान भारत की सीमा से सटा हुआ है और यही वजह है कि चीन इस डील में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद ही नाजुक है। यहाँ दिन भर में केवल 2 घंटे की पावर सप्लाई हो पाती है क्योंकि ये क्षेत्र पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड का हिस्सा नहीं है। हालांकि इसे लेकर अमेरिका नहीं चाहता है कि ये हिस्सा चीन की ओर जाए ताकि दक्षिणी एशिया क्षेत्र में चीन सीमा क्षेत्र का विस्तार नहीं हो सके। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।